चौथा त्रिनेतातिस काल के पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करने से पूर्व जीवते यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे इसहाक इब्राहिम याकूब का दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने सचमुच करके हम पापी मनुष्यों पर तूने अद्भुत दया की है, और यह समय पिता परमेश्वर हम सब जीवितों के बीच में हम पाए जाते हैं, और सचमुच पिता परमेश्वर तूने हम सबको आज के नई जीवन और नई भोर के साथ तूने अगुवाई की है, और इस नए दिन में तेरे पवित्र दिन में हम तेरे निकट आकर पिता हम तेरे महिमा करना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आप प्रभु हम पूरे आराधना के भागों को हम तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, आत्मा के अगुवाई कर और पिता उस आत्मा के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। और दयालु पिता परमेश्वर हम जो भी पाप दोष गुनाह किए हों हर एक के पापों को क्षमा कर, यीशु के नाम में प्रार्थना कर सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आराधना आरंभ करते हुए सच्चिवानी 324 से गावेंगे। सच्चिवानी 324, प्रभु महान विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ्य तेरे सारे भूमंडल पर। Yes.
आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। लुका 6:36-42 और दूसरा पढ़ो चल
लूका 6:36-42, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कि सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आँख का लथा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपने आँख का लथा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपने आँख से लथा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। यहाँ तक आमीन। दूसरा वचन रोमी उसका 8:18-25। रोमी 8:18-25, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात चल रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
हो जाएगी। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे ही पवित्र आराधनालय में पिता एक चित एक मन होकर पिता हमें एकत्रित होने के लिए तूने अगुवाई की है प्रभु, और सुसमोज करके पिता आपके अर्ब दया के लिए हम उस हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज पूरे मंडली को प्यारे पिता तूने हिफाजत की है, और पिता परमेश्वर हर एक लोग आज सुरक्षित पाए जाते हैं, और यह समय पुनः हम हाँ पूरे मंडली को, बेटा बेटियों को, माता पिताओं को, भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर आज के दिन में चौथा त्रिनेतादिश काल की पवित्र आराधना ऑनलाइन के माध्यम से की जाती है प्रभु, और तेरे प्रजा के लोग जहां कहीं भी पाए जाते हैं, और पिता परमेश्वर तेरे महिमा जब ऑनलाइन से करते हैं प्रभु, उनके बीच में तो आप उपस्थिति को प्रदान कर, और सर्वथा पिता परमेश्वर प्यारे जन तेरे उपस्थिति में होकर आज वह आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बाढ़ जो होते हैं। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप प्रभु जो वचन आज हम पाप मनुष्यों के लिए तुमने ठहराया है, वह वचनों की ओर पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा दे, आत्मा की भरपूरी दे, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम तेरे जीवित वचन को पढ़ने और सुनने और समझने वाले बन सके, और पिता परमेश्वर वह हमारे जीवन के लिए वह आशीष का कारण बनने पाए। इसलिए पिता परमेश्वर हम जितने भी तेरे लोग हैं कहलाते हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। हाँ पिता, आपके निर्मल दास के साथ हो। हाँ पिता परमेश्वर, के जुबान के साथ तो बोले। हाँ पिता, तो ही बातचीत कर पिता परमेश्वर, और पिता एक एक बातों को प्यार पिता परमेश्वर तो आत्मा के अगुवाई से पिता तुमने बोलने के लिए वह सामर्थ प्रदान कर, ताकि हर एक सुनने वाले पिता परमेश्वर वह वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। हे सनातन पिता परमेश्वर, हर एक के पाप क्षमा कर, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम प्रार्थना करो और देह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज के लिए उद्देश्य और लक्ष्य जो ठहराया गया है वह पाया जाता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 65वां अध्याय पद संख्या 17 से लेकर हम लोग 25 पद तक देखेंगे। यशायाह 65 उसका 17 से लेकर 25 पद, और उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा गया है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने आपने आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन पर में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाग की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं,
क्योंकि मेरे प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा ना उनके बल घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनकी उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी के हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहां तक आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, पुनः हम लोग एक बार अपने जिंदा यहोवा परमेश्वर को सप्ताह भर के जीवन के प्रति उनकी सुरक्षा हेतु आज व्यक्तिगत जीवन से हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दिन बाद दिन वह हमारे संग संग वह चलने वाला परमेश्वर है और उसी के एवज में हम आज भी जीवित पाए जाकर ऐसे चौथा त्रिनेत्र काल की पवित्र आराधना के लिए हम अपने अपने जगहों में हम उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करने के लिए हम लोग अपने उपस्थिति को हम दर्ज करने को पाए हैं। मेरे प्रियो, आज जब हम यशया भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 65वां अध्याय पद वचन हम लोग 17 से 25 पद तक जब हम यह देखने को पाते हैं, तब यह यहोवा परमेश्वर ने वह अपने उस नया आकाश और नई पृथ्वी की वह घोषणा किया है। लेकिन यदि हम अपने ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से देखने का हम प्रयास करें तो वास्तव में हम सभी इस पृथ्वी पर एक मजदूर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए यहोवा परमेश्वर ने हम पापी मनुष्यों को वह इस पृथ्वी पर वह बुलाया है अर्थात भेजा है और इस मसीह ने अपने शिष्यों को जब कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 37 का हम देखते हैं और वहां पर वचन यों कहता है, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि आपने खेत काटने के लिए वह मजदूर भेज दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, यह वचन कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है, जो कि भिन्न विभिन्न नाजुक परिस्थिति में होकर वे लोग गुजर रहे हैं और यहाँ वहाँ वे लोग भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ वे लोग भटक रहे हैं और आज हम सारे लोगों को, विश्वासी प्रजा के लोगों को, हमने उनके बीच में वह काम करने के लिए वह परमेश्वर ने भेजा है और उनके बीच में काम करना और उनके बदले वह परमेश्वर का वचन कहता है
और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनके बदले घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग के वंश धारेंगे। माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आज निश्चय कर अपने लोगों की उस आयु और उम्र को जब यह समय हम देखते हैं तो बहुत ही कम, 60, 65, 75, 80। लेकिन यहां पर वह कहा है या वह परमेश्वर कि मेरी प्रजा की आयु वह वृक्ष की समान होगी, वृक्ष की समान उस पेड़ों के समान होगा, जो पेड़ हजारों वर्ष वह जीवित रहती है। वैसा ही आज यह वह परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रजा के लोगों की आयु उस वृक्ष के समान होगी। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए वह नई आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की है, नई आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की है। वचन में यशया नया आकाश और नई पृथ्वी की भविष्यवाणी करता है। इस भविष्यवाणी के पीछे एक लंबा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उनको हम जानते हैं, जब फरास का राजा बाबिल पर वह विजय हुआ तब उसने इसराइली प्रजा के लोगों को वह अपने देश लौट जाने के लिए वह प्रस्ताव किया और कुछ लोग जो थे वे अपने यरूशलेम में ही वे ठहर गए। लेकिन जब इसराइली लोग जब यरूशलेम में जब लौट गए और विभिन्न प्रकार की उस चुनौतियों और दाऊद के साम्राज्य के पुनः स्थापना की उम्मीद जो थी वह टूट गई, और जब वह दाऊद के साम्राज्य की स्थापना की उम्मीद जब टूट गई तब इसराइली प्रजा के लोग जो थे वे दूर हो गए, क्योंकि उनके मन में वह निराशा का जीवन फैल गई, क्योंकि उसके लिए अर्थात उनके लिए कोई नया साम्राज्य का स्थापना करने वाला नहीं रहा। और यरूशलेम को जब हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर अब तक वह खंडहर ही रह गया, ऐसे समय में हगाई और जकरिया नबी उन्हें उस मंदिर का निर्माण करने के लिए वे उत्साहित करते हैं ताकि वे इसराइली प्रजा के लोगों का जीवन वह निराशमय जीवन ना होने पाए और उनके जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न होने को पाएगी। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर उन्हें कोई नया साम्राज्य और ना ही कोई नया राजा नहीं मिल पाया और ऐसे परिस्थिति में वे इसराइली प्रजा के लोग जो कि थे वे बाल और दूसरे ईश्वर की उपासना करने के लिए वे दृढ़ और विश्वास में परिपक्व होने लगे और वे दूसरे ईश्वर की ईश्वर पर विश्वास कर यहोवा परमेश्वर से जिंदा परमेश्वर से वे लोग दूर हो गए। अतः परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह के लिए यशया भविष्यवक्ता उन प्रजा के लोगों के लिए यह आह्वान करता है और कहता है मन फिराने तथा परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीने के लिए इच्छा रखें। मन फिराकर परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीने के लिए
59वां अध्याय और पद वचन 1 और 2 3 पद तक आप देखते हैं, तब वो आप पर कहते हैं सुनो, यहां पर वचन कहते हैं सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उधार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि वह सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आओ, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या और तुम्हारे उंगलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गए हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यह यशायाह भविष्यवक्ता अद्भुत वचन को यहां कहा है, और निश्चय कर आज हम जितने भी आज परमेश्वर के जन है उनके लोग हैं, आज सचमुच करके अपने अपने अधर्म के कामों ने आज हमें परमेश्वर से अलग कर दी है। और यहां जबकि हम देखते हैं कि वे लोग बाल और दूसरे ईश्वर के लिए अपने विश्वास को वे दृढ़ किए, और निश्चय करके उस समय यशायाह भविष्यवाणी वह कहते हुए यो कहता है, मन फिराओ, आओ परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीने के लिए वह भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है। हम अपने पापों से यह समय हम पश्चाताप करें। इस्राएली प्रजा के लोग जो है अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, और यहोवा के की प्रजा के अनुरूप जीवन जीने की इच्छा करें। जब परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीने की इच्छा करेंगे और चाह रखेंगे, तब निश्चय करके यहोवा परमेश्वर ने नई आकाश और नई पृथ्वी की वह रचना करेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा किया है। और हमारा वह हमारे लिए जब वह प्रतिज्ञा किया है, तब आज हमारा पश्चाताप और हमारा जीवन यह समय कैसा है, हमारा पश्चाताप का जीवन कैसा है, आइए हम सर्वप्रथम अपने आप को दाऊद की नाई बनाएं, अपने आप को आप दाऊद के समान बनावे। जिस तरह दाऊद ने अपने जीवन काल के पापों के प्रति वह पश्चाताप की वह प्रार्थना किया, और भजन संहिता 51:10 में हम पाते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ऐसा दाऊद वह पश्चाताप की प्रार्थना वह करता है, और निश्चय करके आज मेरे और आपके लिए आज दाऊद की नाई आपने आपको बनानी है, और वैसे ही आज हमें भी आज प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम ईश्वर की उपस्थिति में जब जब हम आते हैं, तब वह परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और जब वह अगुवाई करता है तब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और पद वचन 1 से लेकर हम 2 वचन को हम लोग देखते हैं, और यहां भी वह परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, धन्य क्या धन्य है वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात
दिन खड़ा नहीं होता, प्राप्त हुआ या हुआ कि व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके व्यवस्था पर दिन रात वह ध्यान करता है। यह के प्रजा आज हम हैं और यह की प्रजा के अनुरूप जीवन जीने के लिए सदा उसकी आज्ञाओं को आज हम सब के लिए पालन करना होगा, सुनना होगा, समझना होगा और जब हम उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं करते हुए अपने पापों के लिए हम पश्चाताप तथा पवित्र जीने की हम चाह रखते हैं, पवित्र जीने की, पवित्र जीवन जीने की चाह रखते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो आज अपनों के लिए अर्थात इसराइली प्रजा के लोगों के लिए आज के वचन में हम उस घोषणा की बातों को हम देखते हैं और घोषणा की बातों में हम यूं देखते हैं कि वह परमेश्वर वह नया आकाश और नई पृथ्वी की वह रचना करेगा, नई आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा। वह अर्थात परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी के अस्तित्व को वह ले आएगा और जब वह नई अस्तित्व को ले आएगा तब इतने अद्भुत होगी जो वर्तमान में है उन्हें महिमा और वह आशीष को लोग जो है वे भूल जाएंगे और जिनका अनंत कालीन समाज के द्वारा पृथ्वी पर आनंद दिया जाएगा, अनंत कालीन पृथ्वी पर वह आनंद दिया जाएगा जिसमें कि हम आज अशक्सी वाणी 131 में हम गाए आनंद आनंद करेंगे सदा। हम इस वचन को हम स्मरण करते हैं और निश्चय करके उस अनंत कालीन समाज के द्वारा यह हुआ परमेश्वर ने वह पृथ्वी पर आनंद को देगा। यह हुआ परमेश्वर आज जबकि इस नई आकाश और नई पृथ्वी की बातें जब यहां पर घोषणा की गई है और यह नाम नया आकाश और नई पृथ्वी पवित्र शास्त्र बाइबल में मात्र चार जगहों में पाई जाती है और हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक पर हम दो बार हम पाते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक पर हम दो बार पाते हैं जो यशायाह 65 अध्याय पद संख्या 17 में हम इन बातों को पाते हैं और दूसरा हम देखते हैं यशायाह 66 और उसका 22 में हम देखते हैं इस नई आकाश और नई पृथ्वी की बातों को। और तीसरा में हम देखते हैं पत्रस के द्वारा एक बार जो कहा गया है, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय पद संख्या 13 वचन में हम इन बातों को पाते हैं और अंतिम यूहन्ना के द्वारा हम एक बार पाते हैं जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय पद संख्या 1 में हम पाते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना की बातों को हम वहां पर देखते हैं और जब पृथ्वी पर जब सारा विद्रोह संत हो जाएगा या तो संत कर दिया जाएगा, सारे शत्रु नष्ट किए जाएंगे तब परमेश्वर फिर से सर्वोसर्वा या पृथ्वी और आकाश को वह नए सिरे से वह रचना करेगा, नए सिरे से वह रचना करेगा। फिर उसके बाद आकाश और पृथ्वी को नया बनाने का कर अंतिम समय में वह संपूर्ण कार्य जो है वह पूरा हो जाएगा, वास्तव में एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। वास्तव में जब प्रभु यीशु मसीह का वह समय आएगा तब यह बात अवश्य करके पूरा होगा और वास्तव में यह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी और परमेश्वर के राज में वर्तमान यरूशलेम परमेश्वर की योजनाएं है और वह योजना को यह परमेश्वर अपनों के द्वारा वह पूरा कराएगा जिसके लिए हम आज
पहुंचाता रहेगा। थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। माता पिता भाइयों और बहनों, यह हम जब आज के उपदेश और वचन में जब इन बातों को जब हम गौर करते हैं और निश्चय करके यह हुआ परमेश्वर आज अपने लोगों के लिए इन बातों के द्वारा आज हम सबों को हर्षित करता है और हर्षित करते हुए वह यह कहता है कि थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। जब मसीह का राज्य आएगा, जब मसीह यीशु का युग होगा, मेरे प्रियो, और मसीह राज में जबकि वर्तमान समय को हम देखते हैं कि मौत विद्यमान है और रहेगी, पर जीवन का विस्तार आज से कभी अधिक होगा और एक सौ साल का बूढ़ा भी वह जवान हो जाएगा, 100 वर्ष का बूढ़ा भी वह जवान हो जाएगा। क्योंकि आज हम इन बातों को जब हम देखते हैं तब 20वें पद को आप स्मरण कीजिएगा, तब वह कहता है फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि वह लड़कपन में मरने वाला है, वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर वह श्रापित होगा। पापी 100 वर्ष का जीवन बिताने के बावजूद भी वह श्रापित होगा। इसलिए हम आज देखते हैं और जो उस आयु से पूर्व मरेगा वह निश्चय करके श्रापित समझी जाएंगे। और जब वह समय लोग पुकारेंगे और वह पुकारने से पहले वह प्रभु ने क्या कहता है, मैं उनको उत्तर दूंगा, जो 24वां पद में वह कहा गया है, उसके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने से मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों को अपने प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए प्रार्थना में लंबी अवधि तक दृढ़ रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब? जब परमेश्वर का युग होगा, जब परमेश्वर नई पृथ्वी और नई आकाश की सृष्टि करेगा, वह समय की बातों को यहां पर कहा गया है कि वे प्रार्थना में लंबी अवधि तक वह दृढ़ रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर बिना देर किए जल्द ही देगा, बिना देर किए वह जल्द ही देगा। और वह समय भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, वह समय भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। शांति की सुरक्षा की बातें हैं, क्योंकि वह समय भेड़िया और मेमना की बात हम देखते हैं और निश्चय कर प्यारो हम 25वें पद में देखते हैं, भेड़िया और मेमना एक साथ चरा करेंगे, सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी को हानि करेगा, यह हुआ परमेश्वर की यही वचन है, यह हुआ परमेश्वर की यही वचन है। इसलिए हम यहां उन पालतू जानवरों को और जंगली जानवरों को हम यहां पर देखते हैं और उन जंगली जानवरों के ऊपर शांति और सुरक्षा होगी, जहां मसीह का राज्य की विशेषता होगी और जंगली जानवरों और जंगली जानवर जो है वह पालतू बन जाएगी, वह पालतू बन जाएगी, जिसमें कि यशायाह की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और पद वचन 6 पर हम ध्यान देते हैं और वह यशायाह 11 वचन 6 पर हम देखते हैं, तब वहां पर कहता है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे
बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। हम यह समय समझ सकते हैं कि पालतू जानवर जो है, गाय हो, बैल हो, भेड़ बकरी हो, वह सिंह के साथ वह नहीं रह सकती। लेकिन यहां जब हम वचन में हम देख रहे हैं कि जब वह समय आएगा, ऐसा शांति और सुरक्षा परमेश्वर ने बनाएगा और वह जंगली जानवर वह पालतू बन जाएगा और एक साथ में चरा करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए यहां यशायाह की पुस्तक और 11:6 पद में आप देखते हैं, तब भेड़िया और भेड़ के बच्चे एक संग रहेगा और उस समय शत्रुता की अनुपस्थिति होगी, शत्रुता की अनुपस्थिति होगी और उसके द्वारा मसीह का युग का चित्रण होगा और पशुओं की शांति का यह संकेत दिया गया है, यह संकेत दिया गया है कि मसीह इस पृथ्वी पर शांति को लाएगा और उद्धार के अंतिम फल के रूप में विश्वासियों को और प्रकृति को वह परमेश्वर जो है वह परिवर्तन करेगा, वह प्रकृति को वह परिवर्तन करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भविष्य में परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे, वह समय में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और जिसके लिए पौलुस आज आपने उस कुरिन्थ रोमी मंडली के लिए 8वां अध्याय पद संख्या 18-25 पद में वह भविष्य में प्रकट होने वाले महिमा को वह दर्शाया है, उल्लेख किया है और या पौलुस या उस महिमा का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो हम पर प्रकट होने वाली है। प्यारों, हम आज किसकी महिमा हमारे लिए वह प्रकट की जाएगी, कौन सी महिमा आज हमारे लिए प्रकट की जाएगी, वह तो मसीह यीशु की महिमा होगी। वह महिमा प्रकट की जाएगी जब हम मसीह के साथ जिलाए जाएंगे, मसीह के साथ हम रहेंगे, तब उसकी महिमा को हम प्राप्त करने को पाएंगे और उनके समान हम होंगे। क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं उनके लिए यह महिमा उस नया आकाश और नए पृथ्वी के रचना के तहत वह महिमा को प्राप्त करेंगे जो पृथ्वी पर आरंभ होगा। वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी का अंत होगा, वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी का अंत होगा और एक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को या तो सृष्टि का पुनरुत्थान होगा और जब वह सृष्टि का पुनरुत्थान होगा तब वह नई बनाई जाएगी। इसके साथ फिर कोई नाश और मृत्यु ना होगी और परमेश्वर के संतानों की महिमा युक्त आजादी मिल जाएगी और संपूर्ण सृष्टि इस महिमा युक्त आजादी अर्थात अनंत जीवन के लिए बड़ी उत्साह पूर्वक वह आशा भरी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करेंगे, पार चुपेंगे। जिस तरह हम आज वचन में हम लोग रोमी की पुस्तक में हम देखने को पाए हैं और निश्चय कर या बातों को हम 24वां पद से हम देखते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा जाती है वह जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु की कोई
देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, उसकी आशा क्या करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हम आज यह देखने को पाते हैं कि आज निश्चय कर सृष्टि भी आप विनाश के दशत्वा में छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और आज फिर से हम यहाँ देखते हैं क्योंकि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की बाढ़ छो रही है, आशा भरी। इसलिए सारी सृष्टि जो है वह कर्रा रही है, सारी सृष्टि जो कर्रा रही है। आज क्यों सारी सृष्टि कर्रा रही है हम जानते हैं प्यारो, कि आज हम अपने पापों के कारण हम कर्रा रहे हैं। वैसा ही वह सृष्टि जो है वह परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लोग ना मानने के कारण सारी पृथ्वी पर पाप बढ़ गई है, जिसके कारण यह सृष्टि भी वह कर्रा रही है। और इसलिए संपूर्ण सृष्टि आज वो जच्चा पीड़ा की तरह वह कर्रा रही है। हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि यह सच है कि इस संसार में प्रत्येक का जीवन कई तरह के संकट से जूझ रहे हैं। दुख है, महामारी है, गरीबी है, अकाल है, कठिनाइयां है, कष्ट है और मृत्यु है। हमेशा हमेशा ये सारी बातें जो है वह पाई जाती है। लेकिन आज हम इन बातों के तहत यह जानते हैं कि ये सब तकलीफ जब जच्चा पीड़ा के समान है, जच्चा पीड़ा इस बात का चिन्ह है और इस बातों को संकेत की है कि नया जीवन उत्पन्न करेगा, नया जीवन उत्पन्न करेगा, या तो नया जीवन उत्पन्न होने वाला है जो कि जच्चा पीड़ा के बिना नया जीवन संभव नहीं होता है और नहीं हो सकता है। इसलिए इस रीति से या सृष्टि जिस पीड़ा या दर्द को सहन कर रही है, या सृष्टि वह पीड़ा और दर्द को सहन कर रही है, उसका परिणाम स्वरूप वह नाश के दशत्वा के खुद को मुक्त करेगी और इसका परिणाम एक नया जन्म होगा, एक नया जन्म होगा और एक नए जीवन होगा, एक नई सृष्टि होगी, जिसकी आशा आज हम कर रहे हैं, जिसकी आशा हम कर रहे हैं। और यहाँ 19वें वचन में हम देखते हैं क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात जोह रही है। ये बातें आज हमारे जीवन में पूरा होगी क्योंकि मसीहों के लिए आशा महत्वपूर्ण है। हर विश्वासियों के लिए आशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास इसी आशा के द्वारा हम बचाए गए हैं, इसी आशा और विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए पौलुस 18वें पद में वह कहता है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उस महिमा के साथ, हम आज आशा के साथ में हम बचाए गए हैं और आशा हमारे शरीर के छुटकारे की आशा है, जिसमें कि हम पद 25 में हम देखते हैं और यहां पर कहता है कि परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं, धीरज से उसकी बाट जोते हैं। पौलुस के कहने का मतलब यह है कि हम विश्वास के द्वारा और उस आशा से हम बचाए गए हैं। और जब इसके लिए हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 वचन को हम देखते हैं तब वहां वचन में हम पाते हैं अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए निश्चय तौर पर मेरे प्रियो, इस आशा और विश्वास के
या सारी बातें वह पूरा होगा और आशा विश्वास से उत्पन्न होती है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को वह पूरा करेगा, अपने प्रतिज्ञा को वह अवश्य करके पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब हम उस भयभक्ता की बातों का हम स्मरण करते हैं और भयभक्ता के समय में इसराइलियों को जो स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस स्थिति में मसीह के राज्य अर्थात नए यरूशलेम की स्थिति में वह बिल्कुल नयापन होगा। और जब वह नयापन होगा तब वह नई सृष्टि होगी जिसमें जीवन का स्तर और वर्तमान संसार में भिन्न होगा, वर्तमान संसार में भिन्न होगा और दुख जो है वह आनंद में बदल दिया जाएगा, दुख को आनंद में बदल दिया जाएगा। इसलिए नई सृष्टि में लोगों को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, पूर्ण संतुष्ट मिलेगा या तो मिलेगी, और वे दुख और निराश का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि पाप का परिणाम है, बल्कि जैसा कि परमेश्वर वह चाहता है वे जीवन का आनंद उठाएंगे, वे जीवन का आनंद उठाएंगे जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि वे आनंद करेंगे, वे आनंद करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, नया जीवन प्राप्त करेंगे, नए आकाश और नए पृथ्वी को देखेंगे। इसलिए पाप की अनुपस्थिति होगी, पाप की वह दिन में अनुपस्थिति होगी, जिसका अर्थ यह होगा कि वे परमेश्वर की संगति में संपूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करेंगे और इस नए युग की में प्राकृतिक संसार भी वह लाभान्वित होगा और असली शांति इस संसार में पाई जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए हम यह समय यहोवा परमेश्वर पर हम विश्वास करें, आशा रखें और उसकी महिमा की हम बाट जोते रहें। पिता परमेश्वर, आज के वचन से आप सबों के लिए बहुत आशीष को देंगे अब सदा काल तक, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रह कार्य दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम उस उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रभु हम तुझे हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच करके तूने बात का विषय है उसको हम लोग यह समय सुनेंगे। चौड़ी बस्ती श्रीमती प्यारे टुप्पो का दिनांक 29/6/2021 को हर्निया का ऑपरेशन होना है, सफल ऑपरेशन हेतु प्रार्थना निवेदन किया गया है। आगे हम लोग धन्यवाद का विषय हम लोग देखेंगे, वह पाया जाता है प्रेम नगर निवासी संजय बरला, विगत समय वह कोरोना से पीड़ित रहा पर पिता परमेश्वर का आशीर्वाद कृपा से वह भला चंगा है। वह सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे हम लोग टंगराटोली निवासी क्रूसधारी तपनो दो बातों के लिए यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है। यहोवा परमेश्वर ने विगत समय के उस महामारी से, दुख और बीमारी से, कोरोना वायरस से तपनो परिवार को परमेश्वर पिता ने सुरक्षित रखा, जिनके लिए वह धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ ईश्वर पिता के आसीम दया के द्वारा एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदने में पिता परमेश्वर ने उनको सहायता की है, जिसके लिए सात अपने परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे हम लोग धन्यवाद का विषय सुधीर कुमार धन शिल्पी टुप्पो को पिता परमेश्वर 12/6/2000 को एक पुत्र दान दिया है। साथ ही साथ ईश्वर के आसीम अनुकंपा से सुधीर कुमार का प्रमोशन भी हुआ है,
तथा आपने पुत्री सरान्या टोप्पो का बिशप वेस्टकोट गर्ल्स एस्कॉल नामको में दाखिल भी हुआ है, इन सारी बातों के लिए सुधीर कुमार और शिल्पी टोप्पो व ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए आइए हम लोग यह समय हम लोग खड़े हो जाएंगे और ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करें और हम लोग यह समय हम लोग ईश्वर को धन्यवाद हम लोग गाएंगे, खड़े हो जाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद गाएंगे। ईश्वर को निराश
का जीवन वह ना व्यतीत कर ले पाए। आप पिता परमेश्वर आगामी जीवन में भी इन प्यारे परिवार को तो सुरक्षित रखा कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, ऐसे तरह से हम क्रूस थारे टुकनो जब दो बातों के लिए वह धन्यवाद देती है पिता परमेश्वर, कि सब परिवार को प्यारे पिता परमेश्वर हमारे क्रूस थारे टुकनो सब परिवार को तूने प्यारे पिता परमेश्वर विगत समय जबकि वह महामारी कोरोना वायरस से और नाना प्रकार दुख और बीमारी से तूने बचाया है पिता परमेश्वर, और तेरे आशीव आशीष के लिए आज आपको हृदय से साथ अपने परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आगे भी पिता परमेश्वर ऐसा ही उनके लिए आप प्रार्थना करते प्रभु, आगे भविष्य जीवन में भी तू उनको सुरक्षित रख। और पिता परमेश्वर या तुफनो परिवार जो है वे प्यार प्रभु आपके डर भय में होकर के प्यार पिता परमेश्वर जीवन निर्वाह कर सके। दयालु पिता परमेश्वर जो भी आज इस गुरुद्वार तुफनो के लिए बेटा बेटियों को इतना आशीष के स्वर्ग तुमने दिया है और नौकरी व्यवसाय भी दिया है, साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपने सुविधा आवागमन हेतु एक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए भी तो उनके सहायता की है, और इस बड़ी आशीष के लिए भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में आकर या तो अपने परिवार पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर तूने सचमुच करके दिन ब दिन आपने लोगों की इच्छा को तो पूरा करता है पिता परमेश्वर, जिसके लिए आज तेरे उस इच्छा को पिता परमेश्वर आपने जीवन में प्यारे पुरुष धारे तुफनों वह ग्रहण करने को पाई है, प्राप्त करने को पाई है, और समस्त बातों के लिए यह तुफनों परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इन प्यारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनकी सुरक्षा कर, लालन पालन प्रतिपालन कर, और ऐसे ही आशीष की भरपूरी तू किया कर। हे सनातन पिता परमेश्वर हम सुधीर कुमार और शिल्पी टोप्पो को और सब परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, कई को बातों के प्रति ये परिवार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सुधीर कुमार और शिल्पी टोप्पो को तूने 12/6/2001 को तूने पिता एक पुत्र दान दिया है। हाँ पिता परमेश्वर इस आशीव आशीष के लिए आज या टोप्पो परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर आज जच्चा बच्चा दोनों कुशल है प्रभु, जो भी तकलीफ हो उस तकलीफ को इस नाम से दूर कर, साथ साथ पिता परमेश्वर आपके उस आशीव अनुकंपा आज सुधीर कुमार के ऊपर हुआ है, जो कि पिता परमेश्वर एक सुंदर नौकरी दिया और वह नौकरी में पिता परमेश्वर उनके प्रमोशन होने को पाई है, जिसके लिए पिता परमेश्वर आज भाई सुधीर आपको हृदय से धन्यवाद देता है। हाँ पिता, उनके विश्वास को उनके मनोबल को ऐसा ही दृढ़ कर ताकि पिता परमेश्वर दृढ़ता और विश्वासता में वह बने रहने को पाए, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर जो भी वह प्रमोशन हुई है जिस काम के लिए उस कामों को करने के लिए भी तो इनको आत्मा दे ताकि आत्मा के द्वारा सारे कार्य को वह कर ले पाए। साथ ही साथ पिता परमेश्वर वह पुत्री श्रनिया टोप्पो का बिशप वेस्कोट गर्ल्स स्कूल नामकुम में एडमिशन हो चुका है, जिसके लिए भी पिता परमेश्वर बड़े आशा भारी जीवन के साथ में आपके निकट आकर आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर इन प्यारों के धन्यवाद मनों को स्वीकार कर और आपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम सुधीर कुमार और शिल्पी टोप्पो साहब परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, साथ ही साथ संजय बरला प्रेम नगर निवासी समस्त परिवार को हम तेरे हाथ में जिम्मा करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर चौड़ी बस्ती हमारे प्रिय जयवंत टोप्पो सब परिवार को और प्यारी टोप्पो को हर्निया का ऑपरेशन होनी है, उनको भी आप तेरे हाथ में सौंप देते हैं। टंगरा टोली निवासी जो कि या क्रोस धारे टोप्पो सब परिवार को यह समय निमित बातों के लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, उनके धन्यवाद मेंटों को स्वीकार कर और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तो आशीष को दे। हे पिता परमेश्वर आप एक बार पूरे हमारे काके मंडली को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, पूरे मंडली को तुमने आशीष दी है, सुरक्षा प्रदान की है, हर एक लोग हम सब सुरक्षित है। हे पिता परमेश्वर इस भवन को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, जो कि बड़े हियाव के साथ पिता यह भवन पिता परमेश्वर पूर्ण रूप में पिता परमेश्वर प्रगति में है। हाँ पिता परमेश्वर इस भवन में जो भी कार्य चल रही है प्रभु उस कार्यों को पूरा करने के लिए पिता तो अगुवाई और सामर्थ्य। हे दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना है प्रभु कि हाँ इस भवन के लिए जो पिता आगे भविष्य में जो हमें पिता आर्थिक की आवश्यकता है, रुपये पैसे की आवश्यकता है, प्यारे पिता परमेश्वर सही समय पर वह रुपये पैसे का भी तो प्रबंध करा दे पिता परमेश्वर, ताकि यह जल्द ही पूरा होकर पिता आपको हम इस भवन को
पवित्र संस्कार के साथ में तेरे हाथ में सौंपने हर बन सके। हे पिता परमेश्वर, हर एक कामों में तो आशीष दे। आ हमारे प्रार्थना को सुना है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना जीवित ईश्वर के नाम से सुन और देश राज में ग्रहण कर, आमीन। सराहो तुझे गए सराहो खेती बार काम उद्यम नौकरी व्यवसाय
और श्रम को सफल कर जिस हर कोई सुविवेश तेरे आगे चले और आपने जीविका पावे। आपने कृपा से सुगम पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार की संकेति और दुख में उनको शांति दी। हे पिता परमेश्वर, यह समय हम विनती करते प्रभु, जो भी इस पवित्र आराधना के क्रम में जो धन्यवाद दान, गिरजादान, घड़ादान, अनेकों प्रकार की दाने हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तेरे प्रजा के लोग एकत्र होकर पिता आपकी महिमा के लिए आपकी मुट्ठी को खोलते हैं पिता, हाँ दयालु पिता परमेश्वर, उस दानों पर आशीष दे और पिता परमेश्वर तेरे आशीष उनमें होने के तहत पिता तेरे कलीसिया मंडली की वृद्धि हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, मंडली के माता पिताओं को, भाई बहनों को, बेटा बेटियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, इस मौसम में उतराव चढ़ाव के कारण अनेकों प्रकार दुख और बीमारी तो बचाए रखना, हर एक को कुशल चैन का जीवन तो देना, ताकि कुशल चैन का जीवन प्राप्त करते हुए पिता आपकी महिमा करने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की सुरक्षा कर जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जो क्या परीक्षा विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं, मंडल से निकाले गए एवं उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव तेरे और फिर सब मनुष्यों का तरह ठहर और उन पर जो अंधेरे बैठे मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हम सबों का अपस्तक मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और क्षमा डाल अपराध बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वास से और दीपन से हम लोग त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे स्वर्गीय कुशल को देवे। आमीन। सबको धन्यवाद।